हमारे बारे में ऐसी बातें बनी है यार, हम लोग अब्रॉड चले, ऐसा नहीं होता। हमारी फैमिली में दो बच्चे होते हैं, एक बच्चा कनाडा में, दूसरा धोखे में है। आने के बाद सारे पंजाबी बच्चे इसी धोखे में है कि मैं इंजीनियरिंग करके ऑन साइट चला जाऊंगा, एक दिन मैं भी कनाडा जाऊंगा। सब इसी उसी में जी रहे हैं, उम्मीद में। मैं पहले तो मैं बता दूं, मैं वो दूसरा बच्चा हूँ। मेरा एक भाई था कनाडा में, पहली बार जब आ रहा था ना, मेरे लिए गिफ्ट लेके आ रहा, कहता मैं तेरे लिए टी शर्ट लेके आऊँ, कौन सी टी शर्ट चाहिए मुझे बता। मैं कहा मुझे सुपरमैन वाली टी शर्ट लेके दियो। मैं मेरे चाइल्डहुड सुपर हीरो रहे नहीं, मुझे सुपरमैन वाली टी शर्ट वहाँ से ला दियो, यहाँ से मत ला दियो। देख मुझे पता तुम लोग चोरी का माल देते हो यहाँ पे, पालिका बाजार टाइप, वो नहीं करना। मुझे वहाँ के चाहे चोर बाजार से ले आ, इंडिया के शोरूम से भी मत खरीदियो, वहाँ का माल मेरे लिए लेके आया। मैंने सुपरमैन वाली टी शर्ट पहनी, कहता भाई बड़ा जच रहा है तुम। मैं कहा असली है ना बस। कहता असली है, तू छोटा भाई है मेरा। मैं कहा इसीलिए पूछ रहा हूँ। तुम घर में ही बहुत मजे लेते हो सब लोग। कहता नहीं यार छोटा भाई है तो मेरा, तेरे दिमाग में डाउट क्या है। मैं कहा सामने सुपरमैन ठीक है, पीछे छोटी सी बब्बू मान की फोटो क्यों है। चार साल मैंने सिर्फ एक चैनल देखा है 12वीं के पेपरों तक, DD1। और DD1 की वजह से बने हैं मेरे चाइल्डहुड सुपर हीरो। मैंने आंखें बंद करी हुई हैं, जिस जिन शक्तिमान बोला उनकी शक्लें देख लो, इन्होंने अपनी उम्र बताई है। मेरा नहीं था शक्तिमान, मेरा था सैटरडे को पिक्चर आती थी 3 से 6 सुनील शेट्टी की, नाउ बेगर्स आर नॉट चूजर्स, अपेरेंटली सुनील शेट्टी बिकेम माय चाइल्डहुड सुपर हीरो। और वो आदमी सिर्फ दो चीजों के लिए फेमस हुआ, एक छाती के बाल और एक थूकना। नाउ आई जस्ट थैंक गॉड मेरे बचपन में 3D नहीं होता था। नहीं, वो थूकने के लिए फेमस हुआ, आई कैन प्रूव इट राइट हियर। बॉर्डर मूवी का वो लास्ट सीन याद है? बॉर्डर मूवी देखी सबने, उसका लास्ट सीन याद है कितना थूका उस सीन में, जब माइन लेके गया है, मां शक्ति मैं जितना थूकना साले तोप के गोले पे थूक। तेरे सामने पूरी पाकिस्तानी आर्मी खड़ी है, किसी के भी तोप के सामने जाके थूक दे, उनके बम तो खराब कर, उनके फौजी तो परेशान हो, जनाब बम नहीं फूट रहे, क्या हो गया, थूक थूक के फीते गीले कर गया यार। सर फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ वॉर तोप के गोले के अंदर से आवाज आ रही है, ये जो सिल्ली सिल्ली आंधी है हवा। नहीं, बट उसने एक्चुअली एक ऐसा काम करा है जिससे वो मेरा चाइल्डहुड सुपर हीरो बना है। वक्त हमारा है, देखिए किसी को पता है वक्त हमारा फेमस क्यों थी, एक्सेप्ट फॉर कर्नल चिकारा? नहीं, उस पिक्चर में फर्स्ट टाइम बॉलीवुड की हिस्ट्री में किसी हीरो ने पहली बारी दोनों हाथों से गाड़ी उठाई थी। पहले मैं थोड़ा सा सीन एक्सप्लेन कर दूं, अंकल याद है कर्नल चिकारा वाली फिल्म? कर्नल चिकारा वो अक्षय कुमार को बचाने जा रहे होते हैं, वो मोटरसाइकिल पे ममता कुलकर्णी और सुनील शेट्टी बीच में रोक के गाना गाना शुरू कर देते हैं। एंड का सीन है यार, क्लाइमैक्स है उसके बिल्कुल बाद। बीच में खड़े मैं तेरी मैं तेरी। उस पिक्चर में एक सीन है, ममता कुलकर्णी की गाड़ी पंचर है, सुनील शेट्टी साइकिल पे जा रहा है ऐसे चिपके हुए बाल चश्मा लगा के, ममता कुलकर्णी की गाड़ी पंचर है, वो रोड के दूसरी साइड खड़ी है, उसको गुलशन ग्रोवर छेड़ रहा है। सुनील शेट्टी ने अपना साइकिल रोका है, स्टैंड लगाया है, छिड़ती हुई देखी है ममता कुलकर्णी, दोनों हाथों से गाड़ी उठा के खड़ा हो गया। वो 15-20 मिनट बाद अपना छिड़ छुड़ के आई है, तेज तेज टायर चेंज कर रही है, ऊपर से डायलॉग मार रहा, कहता मैडम आराम से, कहती थक तो नहीं जाओ, गाड़ी एक हाथ पे कर ली, कहता अच्छा। मैंने देखा मेरा दिमाग फट गया, मैं कहा मैंने करना है ये। मम्मी ने मुझे बुलाया, मम्मी कहती पुत्र टीवी बंद कर, दीवान का फ्लैप उठा, मुझे अंदर रजाइयां रखनी है। मैं दोनों हाथों से बुलाया मम्मी तेज तेज, मैं कहा मम्मी आराम से, मम्मी कहती थक तो नहीं जाएगा, मैं कहा अच्छा। हल्का सा माथे पे पसीना आया, फिर एक चीख निकली, मम्मी की दो उंगलियां टेढ़ी हो गई यार। मम्मी चीख निकली, पापा बाहर आए, पापा कहते क्या हुआ, मम्मी गए। पापा की 5 मिनट हंसी नहीं रुकी,
मैं अगर चुप करूंगा आपको भी भूखे रहना क्या? मम्मी कहती है देखो आपके गद्दे बच्चे ने क्या किया। पापा कहते क्या क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। पापा कहते काम कर बच्चा मेरे हवाले कर। कहती उंगलियों का क्या करूं? कहते टेढ़ी होगी ना, हाँ इससे घी निकालो, किसी काम तो लगो। मैं भागने लगा, मैं कहा अभी पापा ने पकड़ लिया तो मैं बेटा मैं भागने लगा। पापा ने पकड़ा, कहते कहाँ जा रहा? मैं खेलने। कहते ये ले 1000 रुपये। मैं क्या लेके आऊँ मार्केट से? कहते नहीं तेरे हैं। मैं किस बात के? कहते दो उंगलियाँ ना 500। मैं कहा काम करो 1000 रुपये और दो। पापा ने दिए। मैं कहा आपको पता है किस चीज़ के हैं? कहते हाँ एडवांस। बाकी काम होने के बाद। मैंने जाके मम्मी को प्लान भेज दिया। मैं कहा मेरे को पैसे दे रहे हैं आपकी उंगलियां टेढ़ी करने? अब पापा की दो टेढ़ी हैं। टायर बदल लीजिए। इतनी जल्दी भी क्या है, थक जाओगी आराम से।